स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। बोला केला मैया की, बोला रामचंद्र भगवान की। अब मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें मित्रों। मोदी, मोदी, मोदी। अब मैं हमारे राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद मनोज राजौरिया जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफा पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं हमारे सभी लोकप्रिय प्रत्याशियों से आग्रह करूंगा कि आप हमारे यहाँ के कैला मैया का स्मृति चिन्ह देकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सभी प्रत्याशी स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, जिलाध्यक्ष जी से, आप आए और शक्ति का प्रतीक हनुमान जी का घोटा देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज राजौरिया जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और स्वागत भाषण। आदरणीय मनोज राजौरिया जी बोलो। मोदी, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता परम आदरणीय सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं इस कैला मैया मदन मोहन जी, श्री महावीर जी और श्री बालाजी की धरती पर करौली और धौलपुर की जनता की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले आपके द्वारा इस करौली और धौलपुर को, इसकी जनता को बहुत बड़े आशीर्वाद दिए गए। आपके द्वारा करौली के अंदर मेडिकल कॉलेज दी गई, आपके द्वारा धौलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया गया और मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने हेतु चंबल नदी पर चंबल का पुल भी दिया गया। यही नहीं, यहाँ करौली और धौलपुर की जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए आपने जब जल जीवन मिशन के माध्यम से बहनों के घर में जल पहुंचाने के लिए चंबल करौली सवाईमाधोपुर नादोती परियोजना के माध्यम से 4,657 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा यहाँ पर आपने आशीर्वाद दिया, जो कि जल जल गंजन के घर में जल पहुंचेगा। इसी प्रकार से धौलपुर में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 842 करोड़ रुपए की एक स्वीकृति जी से घर घर में पैसा पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से
ये करौली जिला मुख्यालय जो अब तक रेल लाइन से वंचित था, अभी रेल लाइन के स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी, पूरी करौली और धौलपुर की ये जनता, करौली की जनता गल गल धनियों से आपका बहुत आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है कि आपने करौली को रेल लाइन दी। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत बड़ी मांग थी चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना, आपके आशीर्वाद से इसकी DPR बनकर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का काम यहाँ पर स्वीकृत है। जो ही यहाँ की सरकार होगी वो भी जल्द पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो आपने जनहित के काम किए, चाहे कोरोना काल के अंदर लोगों को वैक्सीन देने का काम हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के माध्यम से गरीबों को भोजन देने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का काम हो, यहाँ की जनता को आपने जो जो चीजें भेजी, यहाँ की राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उसमें भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीबों के हक पे डाका माला, और तो और राजस्थान की इस गहलोत की निकम्मी सरकार ने, जो भारत सरकार ने आपने यहाँ पैसा भेजा, उस पैसे पे डाका डालकर साथ में तुष्टीकरण का भी काम किया, यहाँ की महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, पूरे राजस्थान में तो किया, करौली के अंदर यहाँ जब नव वर्ष की यात्रा निकल रही थी तो यहाँ विशेष वर्ग के द्वारा यहाँ पर पत्थर बरकाए गए, अत्याचार किया गया, और कर मंडरायल के अंदर एक बहन का बलात्कार किया, और उसके साथ में अपराधी आज भी कांग्रेस के राज में यहाँ निसंकोच रूप से घूम रहे हैं। टोडा भीम में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया बलात्कार करके, उसके गोली मार दी, कुएं में मार दिया। ऐसे अत्याचार, भ्रष्टाचारी महिलाओं पर अत्याचार करने वाली इस कांग्रेस की सरकार से मुझे लगता है कि यहाँ के सारे करौली और धौलपुर की जनता बड़ी त्रस्त है, भ्रष्ट बहुत परेशान है। मैं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान के इस पूर्वी राजस्थान में करौली और धौलपुर, गंगापुर सिटी और महुआ तक की पूरी जनता ये विश्वास दिलाए कि आप लोग राजस्थान से मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाना चाहते हो तो दोनों हाथ ऊंचे करें, दोनों हाथ ऊंचे करें। राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हो, राजस्थान में सुशासन लाना चाहते हो, राजस्थान में भाजपा सरकार लाना चाहते हो तो दोनों हाथ ऊंचे करके मेरे साथ में नारे लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब एक बार बार सिर्फ मोदी जी के नारे लगाएंगे, मोदी मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्व के सबसे बड़े नेता, जिनको आप 4 घंटे से ज्यादा से सुनने के लिए आए हैं, ऐसे मोदी जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मोदी मोदी मोदी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये छोटी काशी है, ये छोटी अयोध्या है, यह सब राम भक्त आपका स्वागत अभिनंदन करें, जो ताली बजाकर एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी आवाज खराब हो गई है, जरा आराम दीजिए गले को। भारत माता की, भारत माता की, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज की, श्री महावीर जी की, मचकुंड धाम की, बाबू महाराज धाम की, रैना वाली माता की, भक्त प्रहलाद की पावन नगरी, राजा मोरध्वज, राणा सांगा की ये कर्म भूमि, पवित्र भूमि मैं शत शत नमन करता हूं। करौली और धौलपुर के मन में क्या है, ये आपका जोश ही दिखा रहा है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप चुनाव सभा में आए हो कि विजय सभा में आए हो। ये दूर दूर तक लोग वहां
वहां टीले पर खड़े हैं उनको भी सुनाई देता होगा। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है, तीन दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, तीन दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। मेरे परिवारजनों, आज यहां करौली के लोगों को, राजस्थान के लोगों को कांग्रेस के पंजे से सावधान करने के लिए आया हूं। वैसे कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने खुद ने इस बात को स्वीकार की थी, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है, ये उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था। और वो तब कहा था जब पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही राज था और कोई नहीं था। तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है, मतलब 85 पैसा गायब हो जाता है ना, 85 पैसा गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सा पंजा था जो रुपये के 15 पैसे कर देता था। कांग्रेस के इस पंजे ने राजस्थान के लोगों को त्रस्त कर दिया है, इसलिए जनता ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देना है। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। साथियों, राज्य में कानून का राज हो ये हर राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। एक तरह से हर वर्ष राजस्थान में कोई न कोई बड़ा दंगा राजस्थान में जरूर हुआ है। मैं छोटे छोटे दंगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े दंगों की बात करता हूं, जिस दंगों ने देश को चौंका दिया। अक्टूबर 2019 में टोंक में बड़ा दंगा, 2020 में डूंगरपुर में बड़ा दंगा, 2021 में झालावाड़ और बारा में दो बड़े दंगे, और 2022 में फिर कांग्रेस ने जोधपुर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। पिछले साल नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान करौली में जो कुछ हुआ क्या आप लोग उसको भूल सकते हैं क्या? जरा माताएं बहनें बताएं, क्या इसको भूल सकते हैं क्या? जरा उस तरफ जो लोग दूर दूर बैठे बताएं, भूल सकते हैं क्या? क्या इसे भूल सकते हैं क्या? आप सब लोग बताइए, क्या इसको भूल सकते हैं क्या?
यहां पत्थरबाजी में कितने ही लोग लहूलुहान हो गए, घायल हो गए, कितनों का व्यापार कारोबार चौपट हो गया। कहीं परशुराम जयंती पर हमला, कहीं नववर्ष की शोभा यात्रा पर हमला, कभी दशहरे के जुलूस पर हमला। ये इस हमले क्यों रुकते नहीं है भाई? ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। ये अपराधियों को दावत दे, क्या वो कांग्रेस आपकी रक्षा कर सकती है? आपकी रक्षा कर सकती है? जरा मुझे बताइए, रक्षा कर सकती है? भाइयों बहनों, आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, खेत हो, खलिहान हो, हर प्रकार की सुख सुविधा हो, कोई कमी ना हो जिंदगी में, लेकिन जवान बेटा जवान बेटी शाम को घर न लौटे और उनका डेड बॉडी अगर घर आ जाए तो रुपये किस काम के, वो बंगला किस काम का, वो खेत खलिहान, वो गाड़ियां किस काम की? अगर आपको रक्षा नहीं मिलती है, अगर आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, बेटा बाहर जाए तो शाम को लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसका मां बाप को तनाव हो तो उन रुपयों को क्या करोगे दोस्तों? और इसलिए शांति और सुरक्षा राजस्थान के विकास के लिए बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस आपको सुरक्षा दे सकती है? दे सकती है। साथियों, हमारे यहां राजस्थान ये महिलाओं की मान मर्यादा के लिए मर मिटने वालों की धरती है, लेकिन जब कानून का भय नहीं रहता तब सबसे ज्यादा नुकसान हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाना पड़ता है। और यही राजस्थान के हर कोने में हुआ है। मंडरायल हो, मोहनपुरा हो या नादोती, ये याद है कि भूल गए? साथियों, ये घटनाएं जब याद आती है ना, तो किसी भी समझदार व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है। यहां पास के चाकसू और नागौर के लाडनू में जो हुआ है वो दिल दहलाने वाला है। यहां की कांग्रेस सरकार ने अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें अपराध की खुली छूट दे रखी है। यहां के मुख्यमंत्री, मुझे तो दुख होता है मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, ऐसा मुख्यमंत्री आप कहां से लाए हो? मेरी माताएं बहनें, आपको पता है ये आपके मुख्यमंत्री ने आपको क्या कहा है? आप सुनोगे ना तो आपको भी गुस्सा आसमान पर पहुंच जाएगा। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं,
क्या मेरे राजस्थान की माताएं बहनें ऐसा कर सकती हैं? क्या कभी कर सकती हैं? क्या कोई माँ बहन पुलिस थाने में जाकर के ये कहेगी कि मेरे चरित्र का हनन हुआ है, वो झूठी बात करने जाएगी? ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपके मुंह से ऐसी बात निकली कैसे? यहां के मुख्यमंत्री और उनके एक साथी, उनके पक्के दरबारी, वो तो यहां के हर पुरुष को कलंकित करने के बयान देते हैं। मुझे बताइए, क्या कभी भी कोई समाज किसी बलात्कारी को मर्द कह सकता है क्या? सबके सब मुझे जवाब दीजिए, क्या किसी बलात्कारी को कोई मर्द कह सकता है क्या? क्या किसी महिला के साथ बदतमीजी करने वाले में किसी को मर्दानगी दिखती है क्या? मुख्यमंत्री जी के दरबारी सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि तो मर्दों की भूमि है, बलात्कार होना बहुत स्वाभाविक है। क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? क्या अरे हमारे राजस्थान के मर्द बहन बेटी की इज्जत के लिए अपना सर कटवा देने वाले लोग होते हैं, उनकी मर्दानगी पर इस प्रकार का आरोप कांग्रेस लगाए? मैं आज राजस्थान को भरोसा देता हूं, भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे, दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए, इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया, इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई, वो कर्ज के जाल में फंस गए। कांग्रेस ने कहा था कि हर जिले में किसान भवन बनाएंगे। किसान भवन तो क्या बनेंगे, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े बंगले जरूर बन गए। कांग्रेस किसानों से विश्वासघात ही कर सकती है, जबकि किसानों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है, और ये भाजपा की प्राथमिकता है। इसलिए राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि को डबल किया जाएगा। यानी भाजपा सरकार हर किसान के बैंक खाते में 12,000 रुपया जमा कराएगी। भाजपा सरकार यहां गेहूं किसानों को एमएसपी पर बहुत बड़ा बोनस देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपके इसी क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, इसका भी बड़ा लाभ इस भूभाग के किसानों और व्यापारियों को मिलेगा। मेरे परिवारजनों, वीरों की इस धरती पर अनेक वीर है, अनेक वीरांगना है। हमारे पास भक्त प्रहलाद की, राणा सांगा की प्रेरणाएं हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस ने गली चौराहे, स्कूल अस्पताल, सरकारी योजनाएं,
सब कुछ एक परिवार के नाम पर ही कर दिया है। मेरे नौजवान साथी, यहां भीड़ इतनी है कि आगे आने की संभावना है नहीं। आप जहां हैं वहीं रुकिए साथियों, कोशिश मत कीजिए और शांति बनाए रखिए। यह आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। पांच वर्ष पहले यहां भाजपा सरकार ने मां अन्नपूर्णा के नाम से गरीबों को खाना देने की योजना बनाई। कांग्रेस ने मां अन्नपूर्णा की जगह उस पर अपने विशेष परिवार का स्टिकर चिपका दिया। भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री जल जा स्वावलंबन योजना बनाई थी, कांग्रेस ने इसको भी बदला और विशेष परिवार के नाम का स्टिकर लगा दिया। भाजपा सरकार ने भामाशाह जी के नाम पर योजना बनाई थी, कांग्रेस को राजस्थान का ये गौरव भी पसंद नहीं आया और इसे भी बंद कर दिया। जिन भामाशाह पर पूरा राजस्थान गर्व करता है, कांग्रेस ने उनका भी अपमान किया है। आज ही कांग्रेस ने अपने झूठे वायदों का एक नया पुलिंदा जारी किया है। राजस्थान को कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस सरकार कैसे काम करती है इसका एक उदाहरण करौली धौलपुर ट्रेन ट्रैक भी है। आजादी के समय से इसकी चर्चा रही, इसको लेकर अलग अलग नेताओं ने वादे किए, कागज पर घोषणाएं की, लेकिन उसे पूरा आपके एक सेवक ने ही किया है, भाजपा सरकार ने किया है। जल्द ही करौली का जिला मुख्यालय भी रेलवे से जुड़ने वाला है। कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, ये काम भी भाजपा ने किया। चंबल पांचना जगरली परियोजना की याद कांग्रेस को नहीं आई। कांग्रेस ने किसानों को सिर्फ भ्रमित किया है, इस परियोजना को भटकाने के लिए प्रपंच किए हैं। जादूगर कुर्सी बचाने में जुटे थे, इसलिए पूर्वी राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट की भी चिंता नहीं की। केंद्र सरकार ने इन्हें बार बार बुलाया, लेकिन कोई मीटिंग के लिए आने तक को तैयार नहीं था। इन लोगों की ऐसी हरकतों को देखते हुए आज पूरा राजस्थान कह रहा है, एक स्वर से कह रहा है, शहर वाले भी कह रहे हैं, गांव वाले भी कह रहे हैं, बच्चे भी कह रहे हैं, बूढ़े भी कह रहे हैं, पुरुष भी कह रहे हैं, स्त्रियां भी कह रही है, सब कोई कह रहा है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, मैं जानता हूं कि डांग क्षेत्र की बहनों को पानी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द हर बहन के घर नल से जल पहुंचेगा। मैंने दिल्ली से इसके लिए हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस ने सरकार ने ये पैसे भी लूट लिए। इस क्षेत्र के तेज विकास के लिए चंबल करौली सवाई माधोपुर नादौती परियोजना और कालीतीर परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद इन पर तेजी से काम होगा। मेरे परिवारजनों, जिन्हें कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा, मैं सेवक बनकर उनकी पूजा कर रहा हूं। हमारे देश के 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। हमने छोटे किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक नई योजनाएं बनाई। हमारे देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा मोटा अनाज पैदा करने वाले किसान, जिन मोटे अनाज को अब दुनिया में हम श्री अन्न के रूप में दुनिया में एक पहचान बनाई है, ऐसे किसानों को कभी कांग्रेस ने पूछा नहीं। भाजपा ने इनके लिए श्री अन्न से जुड़ा एक विश्वव्यापी अभियान शुरू किया, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। हमारे देश के करोड़ों रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को
कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। भाजपा सरकार ने इन्हें स्वनिधि योजना चलाकर करोड़ों रुपयों की मदद की। हमारे देश के विश्वकर्मा भाई बहनों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। आज भाजपा ने इनके लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। हर वर्ग हर समाज के हित को ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं, उन्हें लागू कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस सिर्फ कागजों में काम करने का दिखावा करती है और मोदी जमीन पर काम करके जिंदगी बदलने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं भाजपा सरकार ने बनाई है। जो साथी किसी भी कारण से अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उनके लिए आने वाले समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां शुरू हो चुकी है। पक्का घर हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, मुफ्त इलाज हो, बीमा हो, पेंशन हो, SC ST विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप हो, ऐसे सभी लाभार्थी गांव के पास ही अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और मैं आपको एक और गारंटी दूंगा, 3 दिसंबर के बाद राजस्थान भाजपा सरकार कांग्रेस की महंगाई पर कड़ा प्रहार करेगी। जो पेट्रोल अभी राजस्थान के लोगों को 108-109 रुपये तक में लेना पड़ता है, उसके दाम की समीक्षा की जाएगी। भाजपा की सच्ची गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वायदे कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आज पूरा राजस्थान कह रहा है, 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर। मेरे परिवारजनों, 25 नवंबर को राजस्थान के हर बूथ हर समाज को कमल का फूल खिलाना है। करोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, अब इतनी शानदार सभा हो गई, इतना जुस्सा है, जोश है, माताएं बहनें भी इतनी बड़ी तादाद में आ गई, चलो अब जाकर के सो जाए, अब कोई काम करने की जरूरत, ऐसा तो नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? गांव-गांव जाओगे, घर घर जाओगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली में हमारी माताएं बहनें वैसे तो रोज 15-16 घंटे काम करती है, लेकिन दिवाली में जरा ज्यादा काम करती है। घर का हर कोना साफ करती है, फोटो भी होगी तो उसको भी बारीकी से साफ करती है, कहीं कूड़ा कचरा नहीं रहने देती है दिवाली मनाने के लिए। ये लोकतंत्र की दिवाली है, हमें भी हर कोने में सफाई करनी है। राजस्थान के हर कोने में पक्की सफाई करोगे? चुन चुन करके कांग्रेस की सफाई होगी? हर जगह पे कमल खिलेगा? वादा है आपका? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वादा है आपका? अच्छा, अब एक काम कीजिए, मैं आपको बुलाऊंगा और आपको कहना होगा कमल चुनेगा राजस्थान। क्या कहेंगे? क्यों भाई, आवाज क्यों बीच बीच में डाउन हो जाती है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? क्या बोलोगे? अच्छा, एक काम कीजिए, हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, उसका फ्लैशलाइट चालू कीजिए, अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसके फ्लैशलाइट चालू कीजिए। सब दूर दूर तक जो भी है, सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू कीजिए, सबके सब, इधर वाले भी सबके मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट चालू कीजिए। अब फ्लैशलाइट चालू रखना मैं बुलवाता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलोगे ना? विकसित देश, खुशहाल किसान,
विकसित देश खुशहाल किसान, भक्त प्रहलाद की भूमि महान, भक्त प्रहलाद की भूमि महान, बंद होगी अवैध खदान, बंद होगी अवैध खदान, पेपर माफिया का काम तमाम, पेपर माफिया का काम तमाम, माताओं बहनों का हो सम्मान, माताओं बहनों का हो सम्मान। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रिश्तेदारों में शादी ब्याह कुछ भी हो, वोट तुरंत देकर के ही शादी ब्याह में जाना, ये आपकी गारंटी मुझे मिलनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी गारंटी दी है, आप मुझे गारंटी दीजिए, आप हर पोलिंग बूथ में बीजेपी के लिए वोट करवाएंगे? करवाएंगे। शादी हो, रिश्तेदार आए हो तो भी वोट होगा? बहुत बहुत धन्यवाद।